दोस्तों, अगर आप इस छोटी सी कहानी को समझ पाए तो आप बुद्ध की कही सभी बातों का मूल भाव जान सकोगे। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में छोटे से छोटे कृत्य से भी लोगों को कुछ बड़ा सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया, लोगों के सोच को बदलने का प्रयास किया। ये छोटी सी कहानी आपको बुद्ध के जीवन का मुख्य उद्देश्य समझाएगी। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक निर्जन वन से गुजर रहे होते हैं। पतझड़ का मौसम था, वृक्ष के सभी पत्ते जमीन पर पड़े होते हैं। वन में कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को एक जगह पर बैठने को कहते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बुद्ध उन सभी भिक्षुओं से कहते हैं, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध के सभी भिक्षुक बुद्ध से पूछते हैं, आप प्रश्न पूछने की कृपा करें बुद्ध। बुद्ध झुकते हैं और अपने दोनों हाथों से जमीन पर पड़े हुए पत्ते को उठा लेते हैं। बुद्ध के दोनों हाथ सूखे पत्तों से भर जाते हैं। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं से पूछते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि पत्ते इस वन में ज्यादा हैं या मेरे हाथ में। बुद्ध के सभी भिक्षुक हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये कैसा प्रश्न है बुद्ध, ये तो स्पष्ट है, पत्ते वन में अधिक है, हाथ के पत्ते तो गिने भी जा सकते हैं, परंतु वन के पत्ते गिनना असंभव है। इसीलिए इस बात पर तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता कि पत्ते वन में ही अधिक है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भिक्षुओं, इस संसार में ज्ञान का अपार भंडार है, इन पत्तों की तरह मैं तो तुम्हें केवल इतना ही ज्ञान दे सकता हूं जितने थोड़े से पत्ते मेरे हाथ में हैं। यदि तुम्हें अनंत ज्ञान को जानना है तो तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है और अज्ञान के कारण जो बात समझ में नहीं आती वह समझ में आने लगती है और व्यक्ति सहज ही सफलता पाने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ भी पवित्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पवित्रता सद्बुद्धि को जगाती है और जीवन को नई दिशा दिखाती है। ज्ञान के बिना प्रगति भी असंभव है, इसीलिए सही ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए।